विवर्स, आज हो रही है बेमौसमी बारिश, और जबकि कोई मौसम सुबह से अच्छा था, न्यूज़ में आया था नहीं? पता है नहीं। ये देख सकते हैं आप लोग, लेकिन रात में क्या दिख रही है, ये नीचे देखिए, और जो है ना आज हमारे यहाँ ढोलकी भी, तो अब देखिए कौन आएगा कौन नहीं आएगा, और आपको साथ साथ दिखाएंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। ये एक लोकेशन रिवर्स। ये ढोलकी के दूसरे दिन की क्लिप्स है। मैं गई थी साइमा मॉल, और वो बेबी बाजी ने मेरी शॉपिंग करनी थी, तो देखिए मैंने कहा आपसे भी शेयर करती हूँ कितने प्यारे प्यारे ड्रेसेस आए हुए। मैं कहती हूँ अनस्टिच लेने से एक के बजाय अंदर स्टिच ले ले, और वही बात पड़ती है, इतना आप ड्रेस लें और फिर उसको स्टिच करवाएँ, और रेडीमेड में आपको डिज़ाइनिंग भी मिल जाती है। देख सकते हैं आप कितने प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं। लेकिन मैंने नोटिस किया कि आजकल जो है ना गरारे और ये फ्लैपर प्लाजो इनका ही ज़्यादा फैशन है, अच्छे लग रहे हैं वैसे। खैर, हम जिस काम के लिए गए थे हमारा काम हो गया था, बेबी बाजी के कपड़े आ गए थे, तो देख लें आप। और कंट्रास्ट बहुत मुश्किल हो गया था लेना ना। इस शॉप से हमने ड्रेसेस लिए हैं, और यहाँ ज़्यादा गौन थे, ये कि रिजनेबल प्राइसेस में कोई इतना मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है कि आपकी रेंज से आउट हो जाए ना, तो अच्छे काम वाले सूट हैं। ये देखें फुल एम्ब्रॉयडरी है शर्ट पे, अगर ये आपको मिल जाते हैं 6,000, 7,000, 8,000 में तो बुरे नहीं हैं। कपड़ा लेने जाएँ आजकल जिस हिसाब से महंगाई है, तो उसके हिसाब से बंदा यही ले ले। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हैं। पीछे मेरा बुरखा दिख रहा है, इग्नोर कीजिएगा। इस वक्त हो रहे एक, और मैं कह रही हूँ नाश्ता, और ये ब्लॉग स्टार्ट हुआ है कब का, जब यह ढोलकी का मैंने यात्र का स्टार्ट किया था, तो कंप्लीट नहीं हुआ, मेरी तबीयत सही नहीं थी, और अभी भी मेरी आइज़ ऐसी हो रही हैं, तो क्योंकि मैंने मेडिसिन ली है ना, तो वो मेरी नींद ना पूरी नहीं हुई, इस वजह से आज उठने में भी देर हो गई। और देखें बहुत दिनों से कुछ तबीयत अच्छी नहीं थी, तो डॉक्टर के पास नहीं जा रहे थे, दवाई खाई मेडिसिन ली, तकलीफ़ को बिठा लिया। अब डॉक्टर के पास गए हैं तो डॉक्टर ने अच्छे से खून चूसा है। खैर, तो उनका काम है, अच्छा है कि चीज़ को वो पकड़ लेते हैं कि पता चल जाना टेस्ट के ज़रिए। तो मेरे कुछ अल्ट्रासाउंड हुए, ब्लड टेस्ट हुए, बस यही है कि अब आज रिपोर्ट्स आएंगी मेरी, तो देखें क्या है। डॉक्टर्स कह रहे हैं इन्फेक्शन है, तो टेस्ट में पता चल जाएगा, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हुई है, ब्लड टेस्ट हुए हैं, तो इसी में मसरूफ़ थी, तो करानी ब्लॉग को नहीं कंटिन्यू कर सकी। साथ में शादी की तैयारियाँ भी चल रही हैं, आपको तो पता है ब्लॉग में पता चल जाता है, तो इसलिए ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कॉमेंट भी कीजिएगा, और मैं इंशाल्लाह आपको सारी अपडेट जो है वो हवाले से देती रहूँगी। खैर, ब्लॉग अपना कंटिन्यू करते हैं। नाश्ते में मैं क्या बना रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये बन रहा है मेरा दलिया, और एक तरफ बन रही है चाय, तो बस ये आज मैं नाश्ता करूँगी, कि ज़्यादा हैवी खा नहीं रही हूँ, इस वजह से मैंने कहा चले दलिया बना लेती हूँ। सफाई वगैरह भी करनी है, लेकिन सब चूल्हा गंदा हो रहा है। खैर, नाश्ता करके आपसे मिलते हैं, और अभिया को भी उठाते हैं, बेखबर सो रही हैं अभिया। नाश्ते के बाद सीधा हम आ गए खाने पर, मतलब आलू के चावल बनाते हैं, वो चिकन क्यूब वगैरह डाल के ना,
सिंपल से आयान बहुत ज़िद कर रहे थे कि आप बहुत दिनों के चावल नहीं बना रही हैं। अरे के कारिया अभी तो सुपारा पढ़ा रहे थे उन्हें, खाना भी कर रहे साथ साथ ही मैडम का। दवाई मैं अपनी ले आई थी तो बस ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग बच्चों के स्कूल के लंच की तैयारी हो रही है। याद कहने लगे हम अंडा परांठा वगैरह लेकर जाएंगे, अमूमन तो लेकर नहीं जाते लेकिन बहुत कम से अंडा परांठा लेकर जाते हैं। कहते हैं मम्मा ठंडा हो जाता अच्छा नहीं लगता, तो वो भी सही बात है। मैंने दोनों को आज लंच में अंडा परांठा दे दिया था कि ये भी खाना चाहिए सुबह में ना। व्यूअर्स ये देखें स्कूल के लिए हो गए रेडी, स्वेटर कह रहे मैं नहीं पहनूंगा, और इनके स्पोर्ट्स से शुरू हो गए ना तो ये ट्राउज़र बोल दिया कल से टीचर ने पहनने को, तो शर्ट के साथ ट्राउज़र पहन के जाना है। दोनों भाइयों ने पार्टिसिपेट किया स्पोर्ट डे में ना, तो इनके प्रैक्टिस इनकी शुरू हो गई है। क्या कर रहे हो आप, टिश्यू फोल्ड कर रहे हो? फैन इनकी अभी तक आई नहीं है। और ये देखेंगे आप गुलाम रसूल है ना भाई। मैं अब कर रही हूँ ब्लॉग का एंड, पर मैं दिखाती हूँ आपको मेरा ना जो माइयों में मैंने सूट पहनना है वो आ गया है। ये देखें, पूरा नहीं दिखाऊंगी आधा दिखाऊंगी। ये मेरा माइयों का सूट है, तो बस इसको इसमें मुझे थोड़ा सा ना लग रहा है ऑल्टर होगा, ये सही नहीं लग रहा और मेरी तबीयत भी कोई अच्छी नहीं हो रही, तो इस वजह से मेरा ब्लॉग बनाने का ना ज़्यादा हो नहीं रहा, हिम्मत नहीं हो रही। इंशाल्लाह तबीयत सही हो जाएगी तो आपको आगे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। और ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।